गाइज वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइज जो मैंने पायल को छोड़ दिया है, अब मैं जा रहा हूँ महात्मा गांधी समाधि, किसान घाट और शांति वन। तो चलिए आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू, चलते हैं राजघाट। यमुना का पुल है पूरा इधर सामने, देखो पुल है यमुना का, और ये ITO जा रहा है, राजघाट भी जा रहा है। और मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ थोड़ा व्यू, काफ़ी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और अच्छा सुंदर व्यू है, दिखाते हैं आपको क्या है। तो यहाँ का व्यू है पूरा राजस्थान नज़र आ रहा है। देखो ऊँट, देखो ऊँट दिख रहे हैं आपको, और ये यमुना जी के नीचे हैं। ये देखो ये भी ऊँट ही है। मैं उतर के नीचे आया हूँ, मैंने कहा देखूँ, और काफ़ी वहाँ पर लोग रहते भी हैं, तो चल दिखाते आगे। फिलहाल यहाँ पर 8-10 ऊँट हैं। ये देखो ये एक बैठा हुआ है, वो सफ़ेद घोड़ा है, दो उधर बंधे हुए हैं ये देखो, और दो इधर हैं और दो नीचे हैं, और ये गेरा, और सामने देखो यमुना जी, ऊपर से पुल गया जो यमुना जी का गया पूरा, लोग बाग रहते भी हैं इधर देखो सामने, यहाँ लोग बाग रहते भी हैं, और पूरा यमुना का नीचे का व्यू है। सामने देखो रोड जा रहा है, ऐसे देखो पूरा जा रहा है रोड। मैं नीचे वहाँ से आया हूँ नीचे, और ये भाई साहब भी मिले हैं देखो, इनसे पूछा मैंने। हाथी वगैरह नहीं है यहाँ पे? हाथी नहीं है ना? आप क्या करते हो? आप तो चलाते हो ये भाई साहब? अच्छा जा रहे हो ड्यूटी पे ना। चलिए तो सामने का व्यू कितना सुंदर है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे नर्सरी वगैरह भी है। ऊँट है एक, चार ही बंधे हुए देखो, कितना ऊँट राय रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, फिलहाल दिल्ली में नज़र आ रहे हैं देखो। गाइस फिलहाल दिखा दिया, हम जा रहे हैं अब राजघाट, राजघाट चलते हैं वहाँ का दिखाते हैं व्यू। तो चलिए चलते हैं। ये ना बहुत ऊंचा होता है ऊँट, देखो उसकी गर्दन कैसी चल रही है, काफ़ी ऊंचा होता है, देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो सामने भी ऊँट है और उधर भी ऊँट है, ये सारे ऊँट हैं। और ये यमुना जी के पुल, मतलब आगे ITO है, उसके पहले जो यमुना जी पुल चढ़ने से पहले ही है, लेफ्ट साइड में कट जाता है देखिए। तो चलिए गाइज मेरे ब्लॉग में इतना ही काफ़ी था, अब चलते हैं अपन राजघाट, समय ना बर्बाद करके कुछ जाना है हमें। यमुना जी का व्यू कितना काला पड़ गया पानी, सभी लोग बातें करते हैं देखो सफाई होगी, सफाई होगी कितना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अब राजघाट, तो चलिए चलते हैं आगे। तो गाइज फिलहाल हम जा रहे हैं सचिवालय की तरफ, देखिए सचिवालय की तरफ हो गए, काफ़ी हरा भरा एरिया है, यहाँ से निकल जाएंगे हम, पुल के नीचे से सीधा सचिवालय हो गया। सामने बिजली यूनिट थी, बिजली बत्ती थी सामने, स्टेडियम है, कोमल बेल गेम के समय था ये। देखो ये लिखा हुआ है राजघाट किसान घाट इंदिरा गांधी स्टेडियम, टूरिस्ट आते हैं इसलिए बसें खड़ी हैं इधर, उधर भीड़ भाड़ भी नहीं होती इसलिए बसें खड़ी हैं। ये देखो बिजली का प्लांट, गाइज राट घाट किसान घाट है, किसान घाट है सामने, ये देखो लिखा भी हुआ है। तो हम जा रहे हैं आगे की ओर, गाड़ी पहले लगाते हैं गाइज, स्कूटी उठा लेते नहीं तो पार्किंग वाले। राजघाट की पार्किंग, वहाँ मैंने पार्किंग पे गाड़ी लगा दी है, कोई भी गाड़ी नहीं है सुबह सुबह, अभी मैंने अपनी स्कूटी ये लगा दी देखो। और मैं अब जा रहा हूँ राजघाट गांधी दर्शन करने, तो आपको दिखाता हूँ, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में,
जा रहा हूँ। काफ़ी खाली जगह है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 8:30 भी नहीं हुई, अभी 8:15 हुए, तो चलिए चलते हैं गाइस राजघाट। राजघाट में पार्किंग लगाओ तो कभी भी है, इनके यहाँ बढ़िया कैंटीन भी है, पानी का है, शौचालय वगैरह सब है, यहाँ पे सुविधा अच्छी तरह दी गई हुई है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे, आप फैमिली के साथ यहाँ पे लंच वगैरह कर सकते हो। देखो ये देखो पूरा है यहाँ पे, होटल वगैरह सब है यहाँ पे, लंच वगैरह कर सकते हो आप। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं राजघाट की ओर। गाइस हम अंदर हो गए एंट्री, क्योंकि पीछे चेकिंग थी, चेक करवा लिया, वीडियो नहीं बना सकते वहाँ पे, हम आ गए अंदर। अब फिलहाल काफ़ी अच्छा है, चलते आगे, कितना सुंदर व्यू है। तो गाइस फिलहाल किसान स्थल इधर है, किसान घाट भी इधर है, और संघर्ष स्थल भी इधर ही है। अब उसमें क्या है थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, बस देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। पहले इधर चलते हैं किसान घाट। खूबसूरत है, फैमिली के साथ घूमने के लिए। आपको सारस दिख रहा होगा सामने, ये देखिए सारस दिख रहा है, सारस दिख रहा होगा, ये देखो सारस है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़, आव है पिंक कलर की, कौए कितने हैं, बहुत सारे कौए हैं। ये किसान घाट ही है, किसान घाट की यहाँ पे समाधि भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है किसान घाट की समाधि है, ये चबूतरा बना हुआ है। सामने भी है पूरा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं हम, किसान घाट तो हो गए हैं, अब चलते हैं राजघाट और गांधी दर्शन। कितना सुंदर है गाइस, कभी भी आओ आप किसान घाट, बहुत खूबसूरत है। फैमिली के साथ दिल्ली आते हो कभी तो देखा करो। काफ़ी पेड़, खजूर कैसे पेड़ बेहद खूबसूरत लगते हैं, और एक मन भी थोड़ा होता है। फिलहाल मैं आ गया 8:00 आ गया, क्योंकि ड्यूटी में मुझे जाना है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो चलिए देखिएगा, जरा देखो काफ़ी है, सामने से फॉरेनर आ रहे हैं, काफ़ी अंग्रेज आते हैं घूमने के लिए यहाँ पे। गाइस हम चलते हैं अब गांधी दर्शन के लिए इधर, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, और सामने आपको दिख जाएगा गांधीनगर की, गांधी जी की समाधि। चलिए चलते हैं, देखिए कितना खूबसूरत व्यू लग रहा है चारों ओर। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गांधी समाधि, सॉन्ग बज रहा है, देखो ऊपर से आया हूँ, नीचे में गया नहीं अभी, ऊपर से देखिएगा, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। फिलहाल नीचे चलेंगे, देखते हैं जो जल रही है वहाँ पे, तो हम फिलहाल नीचे जाएंगे, चलते हैं वहीं पे, नीचे चलते हैं, वहाँ से आएंगे अंदर नीचे। क्या खूबसूरत गार्डन है भाई, गजब, बेहद खूबसूरत है। सुबह सुबह घूमने का मज़ा ही कुछ और होगा। फिलहाल बज चुके हैं 8:30, और मेरा ड्यूटी का टाइम भी हो रहा है गाइस, तो जल्दी जल्दी जो भी हो मैं देख कर फिर चलता हूँ घर। फिर काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, काफ़ी टाइम लगता है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, हम चलते हैं अंदर गांधी दर्शन करते हैं फटाफट, काफ़ी अच्छा व्यू दिखा लिया। कितना सुंदर बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आवाज़ भी गूंजती है यहाँ पे, देखो कितनी सुंदर है, कितना सुंदर व्यू है। देखो ये राजघाट के सामने का व्यू है, काफ़ी खूबसूरत है। फिलहाल आ गए हम अंदर, इधर जाते हैं, चलते हैं गांधी समाधि। देखो काफ़ी लोग हैं यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, काफ़ी सुंदर व्यू है चारों ओर।
मैं भी आया हूँ यहाँ पर दर्शन करने। हे राम लिखा हुआ है। ये देखिए सामने देखो हे राम लिखा हुआ है। ये देखिए हे राम जो जल रही है सामने। गांधी जी की समाधि है, बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे देखो, और मैं भी आया हूँ यहाँ पे। सुबह सुबह आ गया, 8:30 हो रखे हैं, पहली बार आया हूँ अंदर। काफ़ी सुंदर व्यू है। चलिए फिलहाल हमने देख दर्शन कर लिए हैं, अब जा रहे हैं बाहर की ओर। काफ़ी लोग हैं, अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी कम है लोग, लेकिन हैं यहाँ पे। ये बाहर अब हमें एक आज शाम से आए हुए हैं। आप घूमने आए हो? हाँ जी, ये घूमने आए हैं तो ये हमको मिले हैं अंदर गांधी समाधि में। बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है। अच्छा अच्छा, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकिया जुली सर्कल से। अच्छा, आसाम से? आसाम से। तो कितने दिन का टूर है आपका? हम लोग का तो 7 दिन हो गया। अच्छा 7 दिन। अच्छा अच्छा, एक प्रोग्राम था हम लोग का। अच्छा, ब्रह्म धर्म का। हाँ हाँ, ये गुरुदेव का जो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे। ठीक है ठीक ठीक, बहुत खुशी हुई मिलकर। इन लोगों से बात की जो आसाम से आए थे, वो लोग आसाम से आए थे, उनसे बात हुई है। वो किसी प्रोग्राम में आए थे, यहाँ पे दर्शन भी किए उन्होंने, और मैं भी उनसे मिला हूँ। तो चलिए फिलहाल हमें इसी गेट से इस साइड जाना है, क्योंकि हमारा बाइक भी उधर साइड रखा है। तो चलिए गाइस चलते हैं। हमारा बहुत पूरे मैदान में फैला हुआ है, उधर काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, काफ़ी टाइम लगेगा घूमने का पूरा अच्छी तरह। देखिए सामने से कितना सुंदर व्यू है। और ये फिलहाल मैं जी की समाधि उधर है सामने, मैं उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, उस पर घूम रहा हूँ अभी। फिलहाल अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। जाते वक्त जो भी व्यू मिलेगा आपको दिखा रहा हूँ। एक्सरसाइज करने भी आते हैं सुबह सुबह, देखिए। तो चलिए गाइस, बड़ा खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पर मज़ा भी आ रहा है। यहाँ पे दौड़ने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि घास बहुत अच्छी है यहाँ पे, घास बहुत अच्छी है। जय सिया राम। गाइस गांधी में ये भी बंद है, क्योंकि अभी 9:45 हो गए हैं, और शायद 10 के बाद खुलता है, तो मैं हो रहा हूँ लेट। मैं जा रहा हूँ अपने घर, कभी और आएंगे तो देखेंगे गांधी म्यूजियम। फ़िलहाल मैं पीछे राजघाट हुआ है, गांधी समाधि देखाया, किसान घाट देखाया। तो चलिए गाइस स्कूटी के पास आ गया हूँ। काफ़ी घूमने को बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन लोग जाएँ तब ना, लेकिन लोग जाते नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता उनको, अपनी फैमिली को कभी ले नहीं जाते। फैमिली को ले जाना चाहिए, खुद जाना चाहिए। चलिए फिलहाल गाइस मैं आ गया अपने स्कूटी पर, देखिए लगी हुई है स्कूटी सामने लगी हुई है। स्कूटी पे आ गए, चाबी है, खोलते हैं। खुल चुकी है, हेलमेट लेता हूँ। राजघाट आया था गाइस, मान दोगे आप तो अपने आप पहचान लेगा कलर। पहले आंखों में पट्टी, पहले आंखों में कॉटन डालेंगे। हाँ। जो कि बच्चा खोलेगा तो कॉटन उसके छोटे छोटे रेशेस उसके आंखों में चले जाएंगे, तो वो देख भी नहीं पाएगा। हाँ हाँ। तो आंखों में पहले कॉटन डाल के उसके ऊपर ब्लैक पट्टी रख के, हाँ, उसके ऊपर ब्लैक रिबन बांध के, हाँ, जब बच्चा, जो अंधों वाली किताबें तो अलग आती है, जो ब्लाइंड होते हैं उनकी किताबों में डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, वो पढ़ता है डॉट्स के हिसाब से। अच्छा, तो वो जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, जो आप बुक्स पढ़ते हो, उसको वो ही पढ़ सकता है। आंख पे पट्टी बांध के पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। आपने देखा है? मैं सिखाता हूँ। आप सिखाते हो? जी जी। चलिए तो आपसे हो सकता है मैं कभी मिलूँ। एक करोबाग रहते हैं, इनका चैनल मैंने सब्सक्राइब कर लिया, मैं वो देखूँगा, फिर हो सकता है मैं इनसे मिलूँ, तो मैं इनका नंबर ले लेता हूँ। काफ़ी अच्छी टेक्निक है, काफ़ी अच्छा है। जैसे मतलब आँख में पट्टी बांध दिया, और पॉसिबल है ही नहीं, बट ये सिखाते हैं तो करते भी होंगे। फिलहाल इनकी वीडियो देखते हैं हम। भाई साहब के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं, और आप अपने बच्चों को सुपर जीनियस बना सकते हो। ये अगर पढ़ाई आप करवाते हो तो बच्चा, जो कहते हैं ना, जिस किताब को लोगों को 1 साल लगता है जो कोर्स को याद करने में, वो बच्चा उस टेक्निक से इतना जीनियस बन जाएगा कि फ्लिप करके वो बुक्स याद कर सकता है। ओहो, बहुत अच्छा, अच्छी बात बताई आपने। लोग मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको भी सुने चमत्कार करके। चलिए ठीक है, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं आगे की टाइम। मैंने इनसे जानकारी ले ली है, इनका चैनल भी देख लिया है, तो देखते हैं। चलिए भाई फिर मिलते हैं आपसे, चलो।
कुछ है दिल्ली में देखने के लिए, लेकिन लोग देखें तब ना। ये देखो गांधी दर्शन, यहाँ पे गांधी दर्शन अभी खुला नहीं है, सुबह का टाइम है, मैं देखता हूँ एक बार खुल गया तो देखते हैं, बट खुला नहीं है अभी, बंद है, लेकिन लोग बाग आना आना शुरू हो गए हैं। देखिए बंद है फिलहाल, कोई बात नहीं, खैर कभी और आएंगे। सामने जो है गांधी दर्शन है, खुला नहीं है अभी, सामने देख लो गांधी दर्शन है, सामने देखो राजघाट है, ये देखो राजघाट है। अभी यहाँ मैं अंदर घूम के फिर के आया हूँ अभी, और फिलहाल गाइज मैं हो रहा हूँ लेट, मुझे दुनिया देखनी है गाइज, दुनिया, और आप लोगों को दिखानी भी है, और आपको देखना भी है, और देखना चाहिए, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ मैं गाइज आप लोगों के लिए। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए, पूरा ब्लॉग देखिएगा पूरी तरह, आपको कुछ ना कुछ उसमें समझ में आएगा ज़रूर। चलिए गाइज चलते हैं, फिलहाल मैं हो रहा हूँ लेट, फिर ऐसे ही ब्लॉग के साथ फिर मिलूँगा आपको, तब तक के लिए बाय बाय।